इमरान खान जी अब पॉलिटिक्स के फील्ड से बॉल्ड हो चुके हैं, बहुत ड्रामे हो गए पिछले एक दो दिन में। स्पीकर उनकी बात मान रहा है, जो इमरान खान जी कह रहे स्पीकर उसको करता है, नहीं तो इनका भी तो पार्लियामेंट में काम हो जाता, क्योंकि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में ही हो जाता। अब कोर्ट में मामला गया हुआ है, री इलेक्शन होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है पाकिस्तान में गतिविधियाँ। तो उसी पे आज प्रशांत धवन सर की वीडियो है, इमरान खान ऑफिशियली रिमूव्ड, एंड ऑफ खान। तो देखते हैं फिर इस पे मिक्स मैसेज रिएक्शन। आपको मिक्स रिएक्शन देने मजा आए तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जो वीडियो लिंक और रिएक्टर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। आई हूं प्रशांत धवन। सो इमरान खान एज ऑफ नाउ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। क्यों कर रहे इमरान हो खान यार? इज नो लॉन्गर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। यहां पर आप देख मैं पाएंगे देखो क्यों कर रहा पाकिस्तानी न्यूज का ये यार आर्टिकल है, भाई, इस पर नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। इतना इमरान खान बेकार को बजे यार ऑफिशियली तो, मैं रिमूव किया गया जिंदगी है में हमने एज भी द भाई प्राइम जीते मिनिस्टर का। ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने रिजाइन नहीं किया है, इनको हटाया गया है, और इसका रीजन भी इनका ही है स्टेप है, क्योंकि कैबिनेट जो है पाकिस्तान महंगा में, कैबिनेट डिवीजन, इसने डी नोटिफाई कर दिया है देता इमरान है खान को नोटिफिकेशन, एज कैबिनेट नहीं द किया प्राइम इधर। हाँ मिनिस्टर। ना, और यहां पर आप देख पाओगे ये नोटिफिकेशन की पिक यहां पे आपको दिख जाएगी। अब यहां पर आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है कि बस जो भी इमरान खान करना चाहते थे वो क्या वो फेल कर गए हैं? इसका सिंपल भाषा में मतलब क्या है? नाउ इसका मतलब समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि इमरान अहमद खान नियाजी, ये इनका फुल नेम है बाय द वे, इनको वैसे आज की डेट में 3 अप्रैल तक इनकी प्राइम जैसे मिनिस्टरशिप की वो जो काम कुर्सी किया है थी ना, ये वैसे ही छिनने वाली जो थी, हरा वो क्योंकि बड़ा बताया ना पाकिस्तान में अपना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये होने देखो वाला वो था। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम। वोटिंग करके चेक करने वाले थे कि क्या इमरान खान के पास मेजोरिटी है या नहीं है, और इनके पास मेजोरिटी थी नहीं। जो विपक्ष की पॉलिटिकल हाँ पार्टीज हैं वो काफी हद तक स्ट्रांग हो बात तो चुकी वही थी। है ना, अब इमरान खान ने यहां पर खेल खेल दिया, इन्होंने यहां पर लगा फिर भी दिया बच्चा तो नहीं आर्टिकल है फाइव। आर्टिकल फाइव ये कहता है कि नो भाई। मेरे कॉन्फिडेंस मोशन पास जो ऐसा है, या तरीके फिर बात कोई नहीं भी क्या और हुआ, टाइप मैं का ये जो आग अपना मोशन है या कान रेजोल्यूशन कान है, रखा हूँ ये ना लोगों के पाकिस्तान के सामने, लोग पार्लियामेंट में इस पर वोटिंग मेरा नहीं हो मजाक सकती। उड़ाएंगे। अगर क्वेश्चन हाँ ये है कि जो ऑपोजिशन है ये डिसलॉयल है टू द स्टेट, मतलब कि इमरान खान ने ये कह दिया कि यूएसए ने इन सब लोगों को पैसे दिए हैं, यूएसए की मदद से जो पाकिस्तान में ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है ये इकट्ठा हुई है और इमरान खान की सरकार को गिरने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे सिनेरियो में हम नो कॉन्फिडेंस वोट नहीं करवा सकते। अब आर्टिकल फाइव लगेगा या ना लगेगा ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल निर्णय है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जो स्पीकर है उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि जी आर्टिकल फाइव के अंडर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होगा ना। उसके बाद ये देखा गया कि इमरान खान ने जल्दी से पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को ये कह दिया कि आर्टिकल 58 और 48 के अंडर जल्दी से पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दो, मतलब अच्छा कि जो भी एमपी जीत हाँ के आए थे, जो भी इलेक्शन जीत के आए थे, सबकी कुर्सी कैंसिल, कोई एमपी नहीं रहेगा, सब इलेक्शन फिर से करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन फिर से होंगे और और उसके भी हिसाब सब से कुछ डिसाइड खत्म किया हो गया जाएगा हमारा, कि पाकिस्तान नया में जी किसकी खत्म सरकार कितने हुआ बनेगी। है, और एक प्रेसिडेंट जो बजे है दाना पाकिस्तान डली। के, इन्होंने अच्छा इमरान खान के सजेशन हाँ, को वो अप्रूव क्या कर कह दिया दिया और दाना, अच्छा पाकिस्तान दिन का जो को प्लान पार्लियामेंट हुआ है है फिर डिसॉल्व हो गया। यार, अब कल जब हो जाएगा पाकिस्तान जब का कल हो पार्लियामेंट जाए, डिसॉल्व हुआ है तो बाय डिफॉल्ट अदाना तो इमरान फिर खान की जो क्या कुर्सी है बोला ये है भी कि चली गई है। अभी लोग के लिए कचुआ इमरान बोलते खान प्राइम हैं मिनिस्टर ना, नहीं है पाकिस्तान आया के, कॉमर्स क्योंकि एक की अगर कंपोजिशन मैं यहां पे ये कहूंगा, की। एक बहुत ही बड़ा इफ है, अगर पाकिस्तान में फिर से इलेक्शन होते हैं तो उस केस में पाकिस्तान में एक नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं उसी दौरान इलेक्शन भी हो रहे हैं, उससे तो उनको अनफेयर एडवांटेज मिलता है। तो अब होगा क्या, अंडर द आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आने वाले 15 दिन में हो सकता है कि इमरान खान को वापस पीएम बनाया जाए कुछ समय के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए, जब तक पाकिस्तान को एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं मिलता। फिर उसके बाद आने वाले 2.5 महीने तक ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में सिचुएशन संभालेगा। मगर यहां पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर बीच में यहां पर यह कह दिया कि देखिए जिस तरीके से आर्टिकल फाइव लीक किया हाँ इमरान खान ने, जिस तरीके से खुद ही कह दिया कि जी ऑपोजिशन पार्टीज देश के प्रति लॉयल नहीं है, ये बिके हुए हैं, फॉरेन कंट्री यहां पर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में सरकार चेंज हो जाए, अगर इमरान खान ने ये सब जो किया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसके अगेंस्ट वर्डिक्ट दे दिया और ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हो जाती है, तो पॉसिबिलिटी है कि ऑल टुगेदर जो ये इलेक्शन करवाने की कोशिश है इमरान खान की है फेल भी कर सकती है और एग्जैक्टली इमरान खान को सीधा जेल भी हो सकती है, क्योंकि नवाज शरीफ जो मैन पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ये ओपनली कह चुके हैं कि इमरान खान ने यूज किया आर्टिकल फाइव, हम लोग यूज करेंगे आर्टिकल 6 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 जो है पाकिस्तानी संविधान का, वो ये कहता है कि अगर कोई भी आदमी संविधान के अगेंस्ट जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सरकार चलाने की कोशिश करता है, तो उसको माना जाएगा हाई ट्रीजन, ये देशद्रोह में आता है। ओ तो अब देखना भाई, यहां पर ये होगा कि इमरान खान की आर्टिकल 5 वाली जो कहानी है ये चल जाती है या फिर आर्टिकल 6 वाली कहानी चलती है। अगर आर्टिकल 5 वाली कहानी चल जाती है तो पाकिस्तान में फिर से रीइलेक्शन होंगे, और अगर आर्टिकल 6 यहां पे इंप्लीमेंट हो जाता है
तो इमरान खान सीधा सीधा जेल में भी जा सकते हैं, दिस माइट बी द एंड ऑफ इमरान खान। exactly. ये भी न्यूज आ रही है कि और इसकी पॉलिटिकल कैरियर भी खत्म हो रहा है, कि इमरान खान को कोई झटका लगा है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, लिटरली इन्होंने ये प्लान किया है अभी के लिए, ये केयर टेकर पीएम बनवा देंगे पाकिस्तान में और उसके बाद इलेक्शन होंगे। इमरान खान को काफी कॉन्फिडेंस है कि जनता इन पर इतना विश्वास करती है, जनता ये कोई जनता विश्वास कोई भी नहीं करने जी, तमाम पाकिस्तान खाना खराब कर छोड़ा है, वही ना सब लोग करप्ट है। अगर जेन्युइनली ऐसा है तो कोई बड़ी बात नहीं, इमरान खान जीत भी सकते हैं और जो इनका गैम्बल है इट माइट पे ऑफ एज वेल, मगर फॉर द टाइम बीइंग इमरान खान इज नॉट द। देखिए ऐसा लग रहा है कि इमरान खान मुझे नहीं लगता वापसी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो अगर आप लोगों को देखोगे, अगर आप उनकी रिएक्शन वीडियो भी फॉलो कर रहे हो काफी टाइम से, आपको लग रहा होगा एक भी रिएक्टर है कोई जो कह रहा है कि इमरान खान बहुत अच्छे है, मैंने तो नहीं सुना किसी के मुँह से, सबके सब अगेंस्ट है। अगेंस्ट होने का एक और रीजन मिल जाता है, प्रशांत धवन की पिछली वीडियो में उन्होंने कहा था प्रशांत धवन जी ने कि भारत के लिए इमरान खान बहुत अच्छे हैं, सेक्शन 370 भी हुआ और भी कश्मीर में भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो एक्चुअल में पाकिस्तान के लोग तो उसे अपने अगेंस्ट ही मानेंगे, वो वोट करेंगे इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि हम जिसे अच्छा कहेंगे, हम जिसकी तारीफ करेंगे, पाकिस्तान वाले उसको पूरा ही करेंगे कि भैया भारत के लिए जो अच्छा है वो हमारे लिए पूरा है। तो ये थी आज की मिक्स में सब रिएक्शन वीडियो, आपको मजा आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।